हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीटजे फैक्ट्री। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों हम लोगों ने इस समय पढ़ रहे बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा जो कवर किया था यानी केपी और केसी के बेस पे किया था, इस पे मैंने बेटा आपको केस बताया था। मैंने पहला केस मैंने उठाया था कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो होगी, तो उस समय मैंने बताया था आपको केपी और केसी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। इसके बेस पर मैंने आपको लगभग चार सवाल मैंने आपको करवाए थे। फिर सेकंड केस मैंने उठाया था कि जब डेल्टा एनजी की वैल्यू बेटा क्या होगी, यानी कि ग्रेटर होगी बेटा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि केपी की वैल्यू बेटा ज्यादा आएगी केसी से। और इस लेक्चर में मैंने आपको साथ पांच सवाल मैंने आपको करवाए सवाल, क्लियर। फिर उससे बाद मैंने आपको करवाया कि डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन यानी कि जीरो होगी इस समय। अब जीरो से लेस देन है मतलब केपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, यानी वो भी लेस देन होगी किससे, केसी से। तो ये सारे केसेस बेटा मैं तीनों केस आपको यानी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं विद प्रॉब्लम के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक बेटा और ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे ट्रिक, ये आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं कैसे पूरी लंबी इक्वेशन को हम अनकी विद इन 30 सेकंड के अंदर कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को। तो ये सारी टिप्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी मैंने, और ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे किसी रिएक्शन का केपी लिखेंगे प्लस। और आज हमारा जो टॉपिक है बेटा प्लस, आज हम ये रिकवर करेंगे यहां से कि एक्स क्या है, बी क्या है, पी क्या है, और सर ये क्या वाला है डेल्टा एन जी अपॉन एन पी, ये सब जानेंगे। इतना ही नहीं बच्चों प्लस, और ये भी जानेंगे यहाँ पर कि रिएक्शन इन लिक्विड फेज, और लिक्विड फेज में बेटा पता होता है कि केपी और केसी नॉट डिफाइंड, कि लिक्विड फेज में हम केपी केसी डिफाइन नहीं करेंगे। तो अब हम इनके केस में कैसे अप्लाई करेंगे बेटा केपी को, वो हम लोग सीखेंगे आज का टॉपिक। और यही मैंने लिखा बेटा, ये आपके एग्जाम के लिए बेटा लगभग 95% चांस होते हैं कि यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, प्लस ले जाती प्रिंसिपल वहां से भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो जब दो क्वेश्चंस आते हैं बेटा तो इसके चांस बेटा बढ़ जाते हैं कि इस टॉपिक पे एग्जामिनर ज्यादा आपको क्वेश्चन देता फोकस आपको, क्लियर ना। ये तो आज अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला बेटा वो होने वाला है कि केपी डिफाइंड इन होमोजीनियस रिएक्शन इन इक्वल सॉल्यूशन। फिर सेकंड केस पढ़ेंगे बेटा कि रिएक्शन इन हाइड्रोजीनियस फेज, जिसमें गैस भी होगी और बेटा कोई लिक्विड भी होगी, तो वहां डिफाइन करेंगे बेटा, क्लियर। तो अच्छे से बेटा निकाल लीजिए बेटा यानी पेन कॉपी, और बैठ जाइए बेटा कॉपी लिखने के लिए बेटा आज के सवाल, क्लियर। और देखना बेटा एग्जाम से मैच करवा लेना, डिक्टो आपको इसी आधार पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बेटा, क्लियर ना ये। हाँ तो आइए स्टार्ट करते बेटा, देरी ना करते बेटा, सर यार सर के साथ बेटा आइए देखिएगा यहाँ पर, क्लियर। तो आज की बेटा हेडिंग क्या बेटा यहाँ पर, ये आज का बेसिक रूल बेटा है रिएक्शन इन लिक्विड फेज फॉर होमोजीनस रिएक्शन। अब बेटा ये एनसीईआरटी में भी इसी तरह चीजों को एक्सप्लेन किया गया एनसीईआरटी में, होमोजीनस रिएक्शन फिर हेटेरोजीनस रिएक्शन। तो बेटा होमोजीनस का मतलब होता है कि जिसमें रिएक्टेंट यानी क्या हो, सबके सब यानी सेम फेस में हो, यानी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। इसी प्रकार हेटेरोजीनस आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, यानी डिफरेंट फेस होगी, कोई अगर लिक्विड है तो कोई गैस होगा इस फेस में, चलो भैया। पहले इसमें देखना कैसे क्वेश्चन मिलेगा आपको बेटा, ये पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देख के ही मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर रहिए। क्योंकि नीट में क्या होगा, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, क्लियर। देखिए और ये सवाल ही बेटा आपके एग्जाम का आओ सवाल है, ये देखिएगा नोट कीजिए बेटा ये। हाँ जैसे एक बेटा क्वेश्चन दिया बेटा हमको लिखना ये कि एसिड और बेटा ये इक्वल सॉल्यूशन है प्लस इथाइल एल्कोहल, ये है केड़ा इक्वल सॉल्यूशन है, क्लियर। यानी एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल क्या बेटा, ये दोनों इक्वल सॉल्यूशन में
क्या बन गया यहाँ पर ये, यानी कि सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव, क्लियर। और यहां बेटा क्या निकलेगा, यहां पानी बेटा निकाल दो अच्छे से, यानी कि ये वाटर निकल गया, क्लियर। इतना दिख रहा है बेटा ना ये, हाँ, अच्छी बात बेटा दिख रहा है, क्लियर। तो एसिड है और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, एस्टर बनता है बेटा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्या एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, क्लियर ना। ये क्वेश्चन बेटा इस फॉर्म में दे रखा है बेटा हम पर ये, क्लियर। और लिख लिया बेटा लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी इफ एसिड इज 2/3 न्यूट्रलाइज्ड, इक्विलिब्रियम स्टेज, क्लियर। और इक्विलिब्रियम स्टेज है बेटा, और इसीलिए बेटा आप लिख लो यहां पर ये इक्विलिब्रियम, क्लियर। ये कह रहे हैं केसी की वैल्यू डिफाइन करना है अगर एसिड का बेटा वो 2/3 जो भार है इसका वो न्यूट्रलाइज हो रहा है एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे, क्लियर। तो अब ये रिएक्शन एसिड है और अल्कोहल है, इससे क्या बनना है, एस्टर बनना है डा, और यहां से वाटर रिएक्शन में बाहर निकलना है। तो इसके मुताबिक बेटा अपन को क्या निकालना है, केसी निकालना है। केसी कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए यहां पर इसको, और आपके पास बेटा ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को क्लोज करके सॉल्व हासिल कर सकते हैं। इसके बेटा ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन क्या है बेटा देखना, पहला ऑप्शन इसका है बेटा यहां पर ये, यानी कि 6, बी ऑप्शन है बेटा इसका 4, सी ऑप्शन इसका बेटा 1, और डी ऑप्शन बेटा इसका है 10। ये बेटा केसी की जो है चार ऑप्शन दिए कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है बेटा, क्लियर नहीं है। और ये आपकी प्रीवियस एग्जाम का सवाल आया हुआ है, क्लियर। देखिए इसको मैं तो नहीं रोक सकता बेटा, क्योंकि मेरे पास क्या है ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है वीडियो क्लोज करने के, और बेटा बताइए इसका कौन सा आंसर कमेंट में, ठीक है ना। ये देखिए यहां पर सॉल्व करते बेटा इसको, देखना यही देखते हैं इस रिएक्शन को फिर से बेटा मैं नए सिरे से लिखता हूं। ये बेटा क्या है, कोई एसिड है इक्वस, और यहां बेटा क्या है, ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक। अब यहां से क्या हो रहा है बेटा, आने की एस्टर बनना है, कोई एस्टर प्लस, और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, कितना बेटा दिख रहा है ना ये, ठीक। हाँ, ये एसिड अल्कोहल क्या बनना है, इसे एस्टर बनना है और वाटर बाहर निकल रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं ऑफ एसिड, ठीक। अब देखिए बेटा क्या होता है, इसका मैंने रूल बताया होगा आपको, इस रिएक्शन को सॉल्व करने के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया होगा लेक्चर नंबर 5 में, तो मैंने कहा होगा कि बेटा जब रिएक्शन में हमें कुछ ना कहा जाए तो हम क्या मानते हैं, यानी कि बनमोल मान के अज्यूम करते हैं, क्या मान लेते हैं बनमोल। तो अब देखिए बेटा यहां पर ये, यानी कि t = 0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैंने इसका क्या मान लिया बेटा यहां पर, मैंने मान लिया 1 मोल, क्लियर। यहां से मैंने क्या मान लिया, 1 मोल यहां पर, इसी प्रकार यहां से मैंने मान लिया बेटा क्या, 1 मोल, ठीक। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो यहां बेटा क्या होगा, 0 मोल इसका होगा और 0 मोल इसका होगा, क्लियर ना। ये 1 मोल मैंने मान लिया यहां पर। अब देखिए यहां पर बेटा आगे देखिए इसको, ये अब जहर सी बात है, जो रिएक्टेंट है बेटा इसकी वैल्यू कम होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू बेटा बढ़ेगी यानी टाइम के साथ। तो अब देखिए बेटा यहां पर मैंने क्या मान लिया, यानी कि इसको मैंने माइनस एक्स और यहां बेटा प्लस एक्स और
लिखा बेटा क्योंकि नेटेंट में इसकी वैल्यू कम होगी। अब प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ कम होगी तो प्रोडक्ट में वो वैल्यू बेटा बनेगी। क्लियर? देखिए इनका एस्टोमेट्रिक बन है वन वन वन, तो इसका एस्टोमेट्रिक बन है तो यहाँ भी बन लेते हैं। ठीक, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो अब बेटा यहाँ पर टी इक्वल टू यानी टी टाइम पे आप इसको बेटा बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अब इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इस पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी बोथ डायरेक्शन में अचीव हो गया। तो अब देखिए बेटा यहां जो वैल्यू बचेगी मेरे पास वो बचेगी 1 माइनस के एक्स, यहां 1 माइनस के एक्स, क्योंकि 1 में से माइनस एक्स कम होगा, 1 में से माइनस एक्स कम होगा, यहां वैल्यू बेटा एक्स यहां और एक्स यहां। क्लियर? ये कौन सी वैल्यू आ गई बेटा इक्विलिब्रियम पे, एसिड के मोल 1 माइनस एक्स बचे, अल्कोहल के 1 माइनस एक्स मोल बचे, और यहां बेटा एस्टर के मोल बेटा एक्स बन गए, यहां वाटर के मोल एक्स यहां बन गए। क्लियर ना ये? अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, यहां देखिएगा, यहां ये कह रहा है बेटा कि यहां पर कोई एसिड है बेटा, कोई एसिड है बेटा, यहां पर देखना ये एसिड है, तो एसिड के बेटा 2/3 पार्ट क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा एट इक्विलिब्रियम। इस न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, दो तरह से समझना। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है मैं ये बोल सकता हूं कि एसिड के इतने मोल क्या होगा बेटा, यानी कि वो रिएक्शन में यानी खत्म हो गए, ये बोल सकते हैं हम, ये कह सकते हैं, या इतने मोल क्या होगा यहां पर इधर प्रोडक्ट में बन के तैयार हो गए, दोनों का मीनिंग एक ही है। हम ये बोल सकते हैं कि इतने मोल्स क्या होगा यहां पर एसिड के बेटा यहां पर कम हो गए, या ये बोल सकते हैं कि इतने मोल यहां पर बन गए। क्लियर? तो बात एक ही है ना ये। तो अब देखिए बेटा जो x का है बेटा ये है x इतना है बेटा, ये है 2/3 मोल्स। क्लियर? कुछ समझ में आया नहीं है? तो ये वो वैल्यू बेटा कि रिएक्टेंट में बोलेंगे वैल्यू कम हो रही है और प्रोडक्ट में बोलेंगे ये वैल्यू बन रही है। समझ गए ना ये, यानी कि डिसोसिएट्स वैल्यू। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां पर तो x बराबर कितना था, एक्स बराबर 2/3 इतनी वैल्यू क्या हो गई न्यूट्रलाइज थी। तो अब बेटा यहां कितना हो गया एक्स बराबर 2/3 मोल्स, यहां पर ऐसे यहां लिख सकते हो बेटा ये 2/3 मोल यहां लिख सकते हो बेटा। क्लियर? अब यहां पर बेटा क्या होगा 1 माइनस के 2/3 तो बेटा कितना होगा ये 1/3 मोल, इतने मोल क्या होंगे यहां पर यानी कि लेफ्ट होंगे यानी बचेंगे, ऐसे यहां देखना बेटा 1 माइनस के 2/3 कितना 1/3 मोल क्या होंगे यहां पर ये इतने मोल बेटा लेफ्ट, और यहां बेटा ये वैल्यू क्या बेटा ये वैल्यू फॉर्म्स, इतने मोल इसके बन गए और इतने मोल यहां कम हो गए। और अब हम जानते हैं बेटा केसी की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो हम लगा सकते हैं बेटा डायरेक्ट केसी, देखिएगा केसी क्या बेटा यहां पर देखना, केसी होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बेटा ये 2/3। अब ये जो रिएक्शन दिया गया यानी मोल है, अब फिर मैंने बताया होगा जब रिएक्शन में नहीं कहा जाए कुछ तो क्या मानते हैं वॉल्यूम मानते हैं, और वॉल्यूम यहां से क्या होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप लिख भी सकते हैं वॉल्यूम यहां पर, तो कितना हो गया बी वॉल्यूम, ये क्या आ गया बेटा कंसंट्रेट आ गया इसकी, ऐसे यहां लिख सकते हैं 2/3 और यहां वॉल्यूम। ठीक, तो इस केस में वॉल्यूम मत रखिएगा क्योंकि मैंने बताया जब भी डेल्टा एम जीरो होता है तो वैल्यू क्या होती है यानी वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ऐसे यहां देखिए बच्चों यानी कि 1/3 और वॉल्यूम, यहां देखिए बेटा ये 1/3 अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मैंने रख दिया है लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट करना इसको ये, क्योंकि वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो यहां से देख सकते हैं बेटा ये यहां से 1/3 और यहां से बेटा 3 वॉल्यूम। क्लियर? अब वॉल्यूम बेटा दोनों साइड से वॉल्यूम का होगा एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बेटा यहां पर आ गया 2 × 2 कितना आ गया ये 4 आ गया। क्लियर? हाँ, ये क्वेश्चंस को करने के तरीका है बेटा इसको। क्लियर ना ये? तो हमारा कितना आंसर हो गया बेटा, ये हमारा आंसर कौन सा है इसमें यानी डी वाला ये आंसर। क्लियर? तो ये आपके एग्जाम का आउट सवाल है, पर ये
फिर कह रहा बेटा न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड से कितनी वैल्यू बेटा डिसोसिएट हो गई, ये बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में कितनी वैल्यू बन गई। क्लियर ना ये? तो ये वैल्यू क्या बोलती है, यानी कि न्यूट्रलाइज कितनी यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो गई, यानी कि खत्म हो गई यहाँ बन गई वैल्यू। क्लियर? नोट करो बेटा इसको क्वेश्चन को, और ये एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन बेटा ये। क्लियर? नोट करो बेटा इसको। तो केसी कितना हो गया बेटा, ये केसी हो गया 4 हो गया। क्लियर? अब इस रिएक्शन के लिए केसी के भी दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्टोइकोमेट्रिक क्या है वो बराबर है। क्लियर ना ये? अब हम इसी प्रकार x और आगे देखते हैं बेटा, ये देखना। अब अगला मेरा है जो इंपोर्टेंट मैंने बताया था बेटा, ये वाला ही यानी कि हाइड्रोजीनस, हाइड्रोजीनस रिएक्शन। मतलब बेटा क्या होगा, यहां पर आपको लिक्विड फेस भी देगा, प्लस आपको हो सकता है आपके बेटा वो कुछ सॉलिड फेस दे दे, प्लस हो सकता है वो आपको गैस फेस भी दे दे। क्लियर ना ये? तो ये अलग अलग क्या होंगे बेटा, इनके स्टेज होंगे, तो इनको कैसे हम एज्यूम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये अपन को सीखना है। और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो मतलब 95% मैंने बताया था चांस आने के, जब दो क्वेश्चन आते हैं। क्लियर ना ये? हाँ, तो देखिए आपको तरीका क्या सीखना है, आपको देखना ये। पहली बात तो मैंने रूल बताया था मैंने, कोई भी बेटा जो एक्टिव मास होता है, यानी कि एक्टिव मास क्या है बेटा, ये प्योर सॉलिड के लिए बेटा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है बेटा। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1 वैल्यू होती है इसकी। ठीक? दूसरी बात बेटा, सॉलिड का जो प्रेशर होता है ना, सॉलिड में बेटा जो सॉलिड का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या मानते हैं हम लोग, आने की 0 मानते हैं। ठीक? पहला पॉइंट तो ये है, सॉलिड का प्रेशर क्या मानेंगे, 0। दूसरी बात, सॉलिड का और देखिए बेटा, सॉलिड का जो मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन बेटा कितना मानेंगे, वो 1 मानेंगे। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन कितना मानेंगे, 1। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन बेटा हम कितना मानेंगे, 1, जबकि प्रेशर 0 मानेंगे इन केस ऑफ सॉलिड। ये रूल आपको बेटा पता होना चाहिए, तब ये रूल आपको अप्लाई होगा ये वाला केस। क्लियर ना ये? हाँ। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? ऐसा क्यों होता है बेटा, देखिएगा सुनिएगा, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखना ये देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, लिखना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, ये लिखना ये, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है बेटा, अब यहां से क्या हो गया बेटा, ये देखिएगा, यहां से ये बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, और यहां से बेटा CO2 गैस। ठीक? सॉलिड है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है, डिसोसिएट होगा अपने ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस गैस यानी CO2। अब CO2 सॉलिड है बेटा, सॉरी ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। दीदी हाँ रुकेगी तो नहीं बेटा, यानी फर से बाहर चली जाएगी एनवायरमेंट में। अब हमें जैसे मान के बेटा, हमें इसका जो मोल दिया, हमें कितना मोल दिया इसका, ये यानी कि इसका मोल T=0, यानी मान लेता बेटा इसका कितना मोल है, ए मोल मुझे दे दिया गया है। ठीक? कोई सॉलिड है, इसका मुझे ए मोल दिया है। अब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि टाइम 0 है, तो मैंने यहां मान लिया बेटा 0 इसके मोल मान लिया। क्लियर ना ये? अब जैसे जैसे रिएक्शन अब स्टार्ट होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कुछ कम होगी और यह वैल्यू बढ़ेगी। तो अब देखिए बेटा, इसको मैंने मान लिया T=T टाइम। अब इसको बोलते क्या है बेटा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम मोड। ठीक? वो स्टेज जिस पर रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ डायरेक्शन अचीव। तो आप देखिए बेटा, यहां पर देखिएगा, यहां से
कुछ ना कुछ वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पर कम होगी, जितनी वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर वो यहाँ बनेगी, उतनी वैल्यू यहाँ पर बनेगी। समझ गया ना ये? तो अब बेटा कितनी बचेगी यहाँ पर, वन सर वन नहीं है एक्चुअली, मैंने ए मोल लिया इसका, ठीक। तो कितना होगा ए माइनस का एक्स, ये क्या बेटा यहाँ पर ये मोल सर। आप यहाँ बेटा एक्स मोल और यहाँ एक्स मोल, एक्स मोल CO2 के बनेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड के एक्स मोल बनेंगे, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट के ए माइनस एक्स मोल बचेंगे। क्लियर, ये हो गया। अगर बेटा मैं इसके इक्विलिब्रियम पे निकाले, अब बताइए यहाँ पर बेटा कि इक्विलिब्रियम पे हम मोल निकालेंगे तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पे कितने मोल आएंगे, इक्विलिब्रियम को बताइए। तो आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम में कितने मोल आएंगे, देखना ए माइनस एक्स यहाँ पर प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इस एक्स से और माइनस एक्स कैंसिल होगा तो ए प्लस एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, यानी कि ए प्लस एक्स कैसे आया देख लो बेटा, ये ए माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस ये वाला एक्स प्लस प्लस और ए माइनस एक्स। तो आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो इससे कैंसिल होगा नहीं होगा, तो ए प्लस एक्स ये वैल्यू ये डॉट वन ये लिख दिया, क्लियर। हाँ ये वैल्यू तो देखिए इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं पर ये, क्लियर। देखिए यहां से इसको क्लियर समझ गया ना ये कि इक्विलिब्रियम पे ए प्लस एक्स क्या हो गए, यानी कि टोटल मोल इक्विलिब्रियम हो गए। तो अब बेटा देखिए यहां पर ये सुनिएगा, यहां पर ये हो। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है ये देखना बेटा ये। तो आप देखिए बेटा अगर मैं निकालू यहां से कि प्रेशर निकालेंगे CO2 का प्रेशर, तो आप बेटा देखिए जो केपी होता है ना केपी, यहां देखिए केपी क्या होता है, केपी उनके लिए अप्लाई होता है जिनके पास क्या गैस है, यानी कि पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये बेटा जो पार्शियल प्रेशर आएगा, यानी कि किसका आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, ये इसका आंसर आएगा, इसका आंसर इसका ये है। क्योंकि हम कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इनका प्रेशर हम नहीं ले सकते क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर क्या मानते हैं जीरो मानते हैं, क्लियर। अब दूसरा पॉइंट बता रहा हूं कि जो मोल फ्रैक्शन हम किसके लेंगे किसके नहीं लेंगे, देखिएगा क्लास में बच्चों को बताने के बाद बच्चे बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, पूछता साथ आप भी वैसे सॉल्व करोगे। देखिए तो आप बेटा देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 के, देखना मोल फ्रैक्शन CO2 के बेटा कितने मोल है, यानी कि एक्स मोल यहाँ पर, क्लियर। अब मोल फ्रैक्शन होता है कि सब्सटेंस के मोल और टोटल मोल, तो यानी कि उसकी वैल्यू और टोटल वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी बेटा एक्स मोल है और टोटल मोल कितने बेटा ये ए प्लस एक्स मोल है, क्लियर ना ये। हाँ कितने हो गए ए प्लस एक्स मोल हो गए, समझ गया ना ये, ये किसका आ गया मोल फ्रैक्शन किसका आ गया बेटा ये आ गया CO2 गैस का आ गया, क्लियर ना ये। अब यहाँ देखिए बेटा कैल्शियम ऑक्साइड ये मोल फ्रैक्शन किसका आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ बेटा x और a प्लस x, आई बताना इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है बेटा, ठीक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा ये, और ऐसे यहाँ निकालो बेटा कि मोल फ्रैक्शन किसका बेटा ये, यहाँ जगह नहीं बेटा इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट इसका कितना बेटा a माइनस के x अपॉन a प्लस x, ये बेटा वैल्यू आ गई इसका, ठीक ना ये। तो ये इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड होता है बेटा, सॉलिड का कोई भी प्रेशर क्या होता है वहां जीरो होता है, जब प्रेशर जीरो नहीं होगा बेटा तो अब इस चीज के लिए हम जो मोल फ्रैक्शन है ये किसके लिए होता है बेटा गैस के लिए होता है ना ये, तो यहाँ बेटा क्या है ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो इसलिए बेटा क्या होता है हम ये चीज जो होती है बेटा हमारे सुनिएगा, हम इसके लिए यहाँ जो है ये किसके मोल यहाँ पर आए हैं, यहाँ तो सॉलिड के मोल भी है ना ये, अरे इसके मोल यहाँ जूट भी नहीं है टोटल में, यहाँ देखिए ये पूरा सॉलिड है, तो इसलिए बेटा हम ये ना मान करके हैं क्या मानते हैं यानी कि इसका हम बल मानते हैं मोल फ्रैक्शन, जबकि ये चीज तो पूरी क्या बेटा यहाँ पर ये चीज फॉल्स ऐसे करते, क्लियर ना ये। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या बेटा ये गैस के लेंगे क्यों लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए बेटा क्या है यहाँ पर ये सुनिएगा,
जैसे यहां बताऊंगा केपी क्या बेटा, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। आइए मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज कैसे आएगी बेटा, ये चीज कैसे आएगी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा, यहां देखना पार्शियल प्रेशर CO2 का, तो पार्शियल प्रेशर CO2 का बेटा होता है मोल फ्रैक्शन होगा CO2 का इनटू और टोटल प्रेशर। ये रूल शायद आपको बताऊंगा कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। क्लियर? अब देखिए बेटा यहां पर, अब ये चीज क्या है, यहां पर ये है मोल फ्रैक्शन क्या होता है यहां पर, ये किसी भी सॉलिड के लिए क्या मानते हैं हम इसको, वन अज्यूम करते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर नहीं है, इसीलिए वैल्यू क्या होती है हम ये डायरेक्ट वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, ये वैल्यू। क्लियर नहीं है, ये वैल्यू यहां पर समझ गए ना ये, तो ये चीज है इसके रूल वगैरह। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर ऐसा होगा केपी, ये आंसर होगा ये वाला। समझ आया नहीं बेटा ये क्यों, क्योंकि क्या होता है इसकी वैल्यू हम लोग वन मानते हैं इसके लिए आने की सॉलिड गैस के लिए। क्लियर, नोट कीजिए बेटा इसको, ये इसी टाइप का सवाल बेटा आपको ये पता होना चाहिए बेटा। क्लियर तो ये, अब देखिए हमारे बेटा इसको और हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, देखिए यहां पर मैं आपको यहां से बताते हैं आपको, देखिएगा ये क्वेश्चन बेटा है यहां पर देखना, ये अमोनियम हाइड्रोजन, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बेटा क्या बेटा ये सॉलिड होता है, यहां देखिए ये बेटा किस में ब्रेक हुआ, यानी कि अमोनिया गैस में, और ये ब्रेक हुआ बेटा H2S गैस में। क्लियर, H2S गैस में और अमोनिया में ब्रेक हुआ। ठीक है ये, हां कह रहा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp, Kp एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एज टेन एटीएम। आप ये कह रहे हैं कि ये भी आपके एग्जाम का उस सवाल है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये डिसोसिएट्स हो रहा है बेटा किसमें, अमोनिया में और H2S गैस में हो रहा है। कह रहा है Kp की वैल्यू बताइए कि एट जब इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना बेटा, वो है 10 एटीएम है। क्लियर, जो ये सवाल मैंने बताया था इसी की बेस पर ये सवाल डिक्टो सवाल है, कॉपी है। क्लियर, देखिएगा अब इक्विलिब्रियम की बेटा जो वैल्यू बेटा यहां पर कितनी है, वो 10 एटीएम है, यानी कि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम। क्लियर, तो Kp बताओ भाईजान कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। देखिए मैं इसको यहीं लिखता हूं बेटा, हसना देखिए इसको ऊपर लिखते हैं, इसको जगह नहीं है पर अच्छे से लिखना पड़ेगा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, ये बेटा छोटा बन गया, छोटा अच्छा नहीं लगता ना, अच्छी बात है छोटा छोटा नहीं लगता बेटा। देखिएगा यहां से ये, यहां अमोनिया गैस प्लस और H2S गैस, ये गैस और ये गैस बन गई। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर मैं देखिए यहां पर इसका जो है इसका प्रेशर क्या होता है बेटा, जीरो होता है, सॉलिड है, क्या होगा जीरो प्रेशर। तो यहां बेटा लिखने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है, यानी कि जीरो क्या होगा एटीएम। तो यहां भी आपको लोचा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां भी क्या होगा जीरो एटीएम होगा, यानी कि क्या होगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बेटा ये क्या होगा जीरो एटीएम होगा, यानी ये जीरो एटीएम और ये जीरो एटीएम, क्योंकि तुम कहो बेटा सॉलिड हो और सॉलिड में कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं होता। क्लियर ना ये, अब देखिए बेटा यहां पर, यहां देखिए बेटा यहां पर, यहां यहां यानी P इसका प्रेशर बनेगा और P प्रेशर बेटा इसका बनेगा यहाँ पर। क्लियर, ऐसे बोलना चाहे तो यहाँ ही बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा यहाँ पर ये जीरो एटीएम, जीरो एटीएम, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब
जैसे यहाँ पर जीरो एटीएम है यहाँ पर ये अब रेशन स्टार्ट हुई है तो t इक्वल टू आने की t टाइम पर जब इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ हो सकता है बेटा आने की p प्रेशर यहाँ बनेगा और p प्रेशर यहाँ बनेगा ड्यू टू गैस तो pa pa हो गया प्रेशर तो अब हम निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे बेटा कि टोटल प्रेशर कितना है बेटा p और p कितना हो गया ये p p कितना हो गया बेटा ये 2p हो गया कितना हो गया ये हो गया 2p हो गया क्लियर अरे दोनों को ऐड करना है ठीक है ये अब इक्विलिब्रियम पे कितना दिया बेटा प्रेशर ये 10 atm दिया लगा दो बेटा पर ये कितना बेटा ये 10 atm 2p तो p है कितना बड़ा ये आने की 5 atm क्या हो गया प्रेशर हो गया तो p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहां पर ये देखिएगा तो p है कितना आ गया बेटा आने की 5 atm बेटा यहां पर हो गया प्रेशर और 5 atm यहां प्रेशर हो गया ये कब हुआ बेटा यहां पर आने की एट इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर 5 atm और H2S गैस का प्रेशर 5 atm हो गया क्लियर तो अब हम kp लगा सकते हैं बेटा kp क्या होगा बेटा पार्शियल प्रेशर किसका NH3 का इनटू पार्शियल प्रेशर बेटा किसका H2S गैस का लगा सकते हैं ना ये तो ये बेटा कितना है इसका 5 और 5 ये है लगा दे हम बेटा कितना 5 ये है और 5 ये kp कितना हो गया बेटा ये kp आ गया आपका 25 वैल्यू आ गया समझ गए ना ये कितना आ गया 25 kp इसकी वैल्यू आ गई ये वैल्यू ये एक सॉल्व करने के बेसिक तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप जब भी कोई सॉलिड है ना तो उसको आप देखो ही मत क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा मत देखो क्यों सॉलिड में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है डू नॉट डेवलप द एनी प्रेशर क्लियर नहीं है अब वही गैस होगा तो यहां मान सकते हैं p हां कितना हो गया 2p हो गई दोनों ऐड किया और इसकी वैल्यू बेटा कहां पर है ये देखिए इधर की है इक्विलिब्रियम वैल्यू तो यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से p निकाल लोगे p 5 आ गया 5 ये वैल्यू पुट करो आंसर पास कर क्लियर नहीं है तो ये सवाल बेटा आपके एग्जाम का आउट सवाल है ये इसको नोट करो अच्छे से इसको पढ़िए ठीक हां इसको देखिए इसको नोट करो इसको फिर हम लोग इसी टाइप का एक सवाल हम लोग और देते बेटा क्लियर नहीं है हां बिल्कुल नॉर्मल आसान टाइप का सवाल बेटा है ये सवाल टफ नहीं है बेटा सवाल ये क्लियर इतना क्लियर बेटा ये आइए ढंग पर ये देखिए आइए आगे बढ़ते बेटा सवाल देखिएगा यहाँ पर ये क्लियर ये है बेटा अमोनियम यहाँ इसको बेटा डिसोसिएट्स हो गया बेटा ये 2NH3+2NH3 और यहां से क्या बच गया बेटा यहां पर बच गया 2NH3 होगा दो मोल हाइड्रोजन के चार दो हाइड्रोजन के 28 का बढ़ेंगे CO2 गैस ये देख लो ये भी गैस ये क्या है भाई जान ये है CO2 ठीक हां जब ये डिसोसिएट होगा यहां पर ये यानी कि n कितने दो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 यहां से और 4 यहां से 6 यहां से हो गए ये यहां से इसको देखते हैं इसी फॉर्म में कर दिए हां CO2 ठीक है अब यहां बेटा क्या देखिएगा यहां दे दिया और कुछ गैस बेटा पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसी फॉर्म में आपकी क्वेश्चन ये जो भी रिएक्शन है ये रिएक्शन बेटा लिख के आती है पेपर में आपके ठीक हां फाइंड द वैल्यू ऑफ kp एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर
प्रेशर एज, टोटल प्रेशर एज 30 atm। अब ये सवाल आ गया कि हमें ये रेशन दी गई बेटा इस फॉर्म में यानी ब्रेक हुई है। अब पूछ रहा है कि बताओ kp की वैल्यू क्या होगी एट इक्विलिब्रियम पे, कि टोटल जो प्रेशर है वो कितना 30 atm वैल्यू। क्लियर है ये? तो आप बेटा कैसे करोगे, यहां देखिएगा इसको, यहां इसको लिखो बेटा रिएक्शन को, NH4CO और NH4, ठीक आप लिख सकते हैं इसको, ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉलिड है और यहां पर 2NH3 गैस प्लस यहां बेटा CO2 गैस, ठीक। आप बेटा देखिएगा, सुनिएगा, क्या ये सॉलिड है, क्या इनको देखेंगे, इनको बेटा देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम सॉलिड हो। तो बेटा यहां कितना बनेगा, यहां बेटा बनेगा आपकी 2p बनेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। यहां बेटा कितना बनेगा, यहां बेटा बनेगा p बनेगा क्योंकि ये 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स तो p बनेगा, 2 टाइम्स p बनेगा। तो यहां तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, तब भी जीरो होगा स्टार्टिंग बेटा, यहां रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट हो भी जाएगी इक्विलिब्रियम पे बेटा कितना रहेगा, तब भी जीरो रहेगा, क्योंकि यहां बेटा कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहां कितना हो गया बेटा, यहां 2p हो गया और यहां p हो गया, क्लियर। तो आप निकाल सकते हैं यहां पर ये कि टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया बेटा, ये 3p, अरे 2 ये और 1 कितना होगा 3p। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये देखना वैल्यू कितना है, 30 atm इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। देखिए यहां पर कितना है बेटा, ये 30 atm 3p। तो यहां से निकाल सकते हैं बेटा, ये यहां से देखना बेटा कितना आ रहा, 3 से 3 कैंसिल, तो p कितना आ गया, 10 atm वैल्यू आ गई, ठीक 10 atm वैल्यू आ गई। आप रख सकते हैं बेटा यहां कितना है, p बराबर 10 है ना, तो 10 यहां पर आ गया प्लस यहां रखोगे 2 × 10 कितना हो गया 20 atm, ये हो गया 20 atm, ये हो गया और कितना हो गया 10, ये हो गया। तो आप निकाल सकते हैं बेटा kp, निकाल सकते हैं kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर किसका, यानी अमोनिया का, ठीक, इनटू पार्शियल प्रेशर किसका, CO2 गैस का। सर ये 2 क्यों लिए बेटा, 2 बेटा देखना ये स्टोइकोमेट्रिक है तो पावर ऊपर आती है, यहां 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो, ठीक, इनकी वैल्यू पुट करो बेटा कितना है ये 20, तो 20 बेटा यहां रखोगे, ये कितना बेटा ये 10, 10 यहां रखोगे कितना आएगा बेटा ये 20 का 400 और 10 का कितना आएगा बेटा ये 10, तो कितना होगा ये 4000। तो आप लिख सकते हैं बेटा ये kp कितना हो गया बेटा, ये kp हो गया 4 × 10⁻³, ये इसका आंसर है बेटा, ये है सॉल्व करने बेटा इनके तरीका है, क्लियर ना, ये वैल्यू रखो यहां से, वैल्यू पुट करो इसको, यहां रखो ये निकालो आप, क्लियर, हां नोट करो बेटा इसको। ये सवाल इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम आएंगे और काफी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह के, ये आई सब आपके एग्जाम के आई सवाल बेटा है ये, क्लियर। सॉलिड को बिल्कुल नहीं देखना है, इसको काटो, केवल गैस, गैस को ही देखो, ठीक नहीं है, हां नोट करो बेटा इसको, ये इसी तरह से आप बहुत सारे सवाल यहां पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पर सेम कांसेप्ट है और कोई भी कांसेप्ट है बेटा नहीं है, ठीक। देखिए इसको, ये आइए यहां पर, ये अब हमारा जो ये कांसेप्ट है बेटा कि हाइड्रोजिनस रिएक्शन के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप इस तरह से आप कर लोगे सवाल, क्लियर ना ये, हां ये सब आपके सवाल एग्जाम के आई सवाल थे इस तरह के। अब मुझे जो मैंने बताया था कि आप कैसे बेटा पढ़ोगे, कितनी यहां पर ये देखिएगा अभी टैग बेटा है, अगर बेटा मैं एक्स और यहां बेटा इसकी वैल्यू बताऊं मैं, यानी कि वॉल्यूम का रिलेशन, ये वैल्यू डेल्टा एन जी और एन पी, ये है रिलेशन। दूसरा रिलेशन बेटा इसका ये है, यहां वॉल्यूम क्या है इनवर्स प्रेशर होता, प्रेशर यहां आ जाएगा,
यहाँ डेल्टा एन जी और यहाँ मोल्स ऑफ प्रोनेट। अब इसके बेस पे कैसे सवाल एग्जाम में आएंगे, वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है। अब ये सवाल बेटा आपको ये जब ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर भैया। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तब भी आपको 100% समझ में आपको आएगा, क्लियर भैया। हाँ, पहले समझाए कि P क्या है, V क्या है, डेल्टा एन जी एन पी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल लिख चलेंगे पहले आपको बेसिक चीजें। अब बेटा जो एक्स क्या है, देखिए सारी चीज नोट करना, एक्स क्या पहले यही से स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा इसके बराबर ये है, प्लस इसके बराबर बेटा क्या है, और ये इसके बराबर, क्लियर। तो बोल सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल इसके है, एक्स प्रोपोर्शनल इसके है, क्लियर। तो देखिए बेटा एक्स क्या है, यहां लिखिएगा एक्स को क्या बोलते हैं, एल लिखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डी ओ डी, ठीक। हाँ, आनी सारे वही लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ, ठीक बेटा। ये आनी ड्यूटी बॉल नहीं है बेटा ये, लेकिन ये थोड़ी केमिस्ट्री वाली बेटा, ठीक। बी क्या है बेटा, हम पढ़िए, बी बेटा है वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सर। पी क्या है, पी बेटा एक प्रेशर है, ठीक। पी क्या है, प्रेशर है, बी वॉल्यूम है सर। डेल्टा एन जी और ये एन पी क्या है, आई देखते हैं, एक एक चीज नोट करते जाइए बेटा आपको, फिर देखना एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। डेल्टा एन जी बेटा, डेल्टा एन क्या होता है सुनिएगा, डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस के मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये वैल्यू होती है। ये बेटा लिखना ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर गैस, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है बेटा, ये गैस नहीं होगी तो ये बेटा नहीं लगेंगे, क्लियर ना, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। और देखिए बेटा यहां पर ये, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड कि रिएक्टेंट साइड के कितने मोल है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के होने में, इसको बोलते हैं बेटा लिखना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड, ठीक। याद करना ये सिर्फ बेटा गैस के लिए वैलिड है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ गैस के लिए वैलिड है, क्लियर। इतनी चीज लिखिएगा फिर जानते हैं इसके बारे में। अब एक बार थोड़ी बात कर लेते बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। डिसोसिएशन का बेटा मतलब होता है, जिसको हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में बोल सकते हैं, यानी कि डीकंपोजर बोल सकते हैं, डीकंपोजर बोल सकते हैं बेटा, यानी कि इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग, यानी कि न्यूट्रलाइज बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइज। ये सारी लैंग्वेज आपको पेपर में दे सकता है, न्यूट्रलाइज बोल सकता है, डीकंपोजर बोल सकता है, और अधिकतर 90% बोलेगा डिसोसिएट्स बोलेगा, ठीक है। ये इसका मतलब होता है कोई वैल्यू अपनी वैल्यू की टूटना वैल्यू, यानी कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में चेंज होना, ठीक। जैसे देखते हैं इसको हम लोग समझने थोड़ी कोशिश करते हैं कि है क्या। अक्सर आपको इसको ये पता है, इसको आपने पढ़ा होगा अल्फा से, पढ़ा होगा अल्फा कोई है जो मैंने एक्स मैंने मान लिया है, मैंने ये क्लियर ना, ये जानते हैं पहले इसके बारे में मतलब क्या है कि एक्स के बारे में, फिर करते हैं कोशिश की बेटा। देखिए बेटा ऐसे एग्जांपल देखना बेटा, ये जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं बेटा, ये देखना ये कि NH3, ठीक। यहां बेटा ये डिसोसिएट्स हो रही है नाइट्रोजन में, और यहां बेटा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। बैलेंस में जाओ, बैलेंस में लोड इसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस समझना आपने कॉन्सेप्ट, ठीक। बेटा देखिएगा, अगर मैंने इसके जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर बेटा हम पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो अल्फा है, यानी कि मैंने जो अभी एक्स माना था, ये देखिए बेटा ये जो अल्फा था, यानी इसको मैंने क्या माना था, अल्फा यानी कि एक्स मान लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डी ओ डी। तो अब देखिए बेटा इसको यहां देखना,
सुनिएगा, तो इसकी मान लेते हैं बेटा इसकी वैल्यू में मान लेता हूँ कितनी है, 0.5 वैल्यू है, कितनी है 0.5 वैल्यू है, समझिए इसको क्या बेटा, अगर आपको चीजें आ रही है तो आप इतने वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बस ये समझाने के पर्पज नहीं रहा, ठीक। अगर मैंने यहाँ मान लिया बेटा इसके माने कितना है 0.5, मैंने मान लिया कि इसके इनिशियल की बेटा कितनी है ये आने की 8 मोल, आने की इनिशियल का मतलब होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मैंने 8 मोल लिए। अब मैं बोल दिया गया कि यार इस रिएक्शन के लिए अल्फा की जो वैल्यू बेटा कितनी है वो 0.5 है, अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहे तो बोल सकते हैं बेटा इसको आने की 50%। अरे ये परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होता है, अल्फा में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा, ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि अगर आपने अल्फा दिया है बेटा आने की कितना दिया है, आने की 0.5 मतलब 50% दिया है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के आने की आधे मोल जो है वो बेटा डिसोसिएट हो गए हैं, आने को प्रोडक्ट में बन गए हैं, इसका मतलब ये है, हम कह सकते हैं कि तुम्हारे आधे वैल्यू यानी आधे मोल बोल सकते हैं, वो वैल्यू क्या हो गए बेटा प्रोडक्ट साइड में क्या हो गए, यानी कि डिकम्पोजर हो गए। हम ये भी बोल सकते हैं कि आधे मोल आपके रिएक्टेंट साइड में बच गए, एक ही मतलब है इसका कि आधे मोल इसके रिएक्टेंट साइड में बच गए, ये बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इसके 4 मोल आगे हो गए, क्लियर। तो देखना इसका कितना होगा, आप लगा सकते हैं 8 माइनस की बेटा, अब यहाँ निकालो बेटा, देखना देखना ये 8 यहाँ पर 8 मोल है बेटा, ये कितना परसेंट है ये 0.5, तो बेटा कितनी आएगी यहाँ वैल्यू, यहाँ वैल्यू आएगी आपके लगा सकते हैं पर ये कितना आएगा, ये 0.5 आने की 4 आ जाएगा, कितना 4 आ गया पर, तो अब क्या होगा कि 4 जो मोल है इसके वो क्या होगा बेटा, ये वो मोल डिसोसिएट हो गए, आने की क्या हो गए आने की माइनस के 4 डिसोसिएट टूट गया यहाँ पर, क्लियर ना ये, हाँ इसका मतलब ये होता है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ जितनी वैल्यू बेटा यहाँ पर कम हुई है तो उतनी वैल्यू यहाँ पर कम हुई बेटा वो बनेगी यहाँ पर, समझ गया ना ये, ये है इनके लॉजिक है समझने का तरीका यहाँ पर, ये केवल बेटा एक के लिए डिफाइंड होता है यानी कि पर मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइंड है ये, क्लियर। अगर यहाँ बेटा 2 है तो 2 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, अगर 3 है 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं एक समझ के इसको एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, क्लियर ना ये, हाँ इतनी चीज आपकी ये है, इसी को बेटा यहाँ से मैं आइए खत्म करता हूँ इसको, फिर अपने आप में हम लोग जो हमारा टॉपिक है हम लोग उस पर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर, इसके यहाँ पर पर्पज क्या है, और ऑलरेडी आपको सारी चीज पता होगा इसका, अगर फार्मूला लिखना चाहे फार्मूला तो लिख दीजिए, फार्मूला क्या बेटा इसका, अल्फा यानी कि एक्स क्या है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स, और लिख सकते हैं बेटा कि इनिशियल मोल्स कि स्टार्टिंग में कितने मोल हैं और कितने मोल डिसोसिएट्स हो गए हैं इनटू प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं बेटा अल्फा बोलते हैं, ये फार्मूला और ऑलरेडी आपको याद होगा चीजें, क्लियर नहीं है तो ये फार्मूला अगर याद नहीं भी करोगे कोई टेंशन नहीं है भाई, फंडा जो मैंने बताया था आपको ये कितने मोल यहाँ पर परसेंटेज टूट गए हैं कितने मोल बच गए हैं वहां से आप निकाल सकते हैं, क्लियर नहीं है तो आइए मैं इसको भी साफ करता हूँ बेटा, और इसको बेटा आपको ये नोट आपने कर लिया होगा, ठीक, कि मुझे समझाना आज का टॉपिक मेरा ये है कि इसको कॉन्सेप्ट कैसे सवाल आपके आएंगे ये समझाना मुझे, ठीक, हाँ आइए देखिए इसको, तो पहले मैं आपको समझाऊं बेटा, यहाँ देखिए बेटा ये कैसे निकालेंगे मोल, यहाँ पर देखिए जैसे देखना यहाँ पर ये सवाल होता हूँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल टाइप का बेटा आपको सवाल दे रहा हूँ, ठीक नहीं ये, जैसे देखिए यहाँ पर ये एक सवाल बेटा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये सवाल बेटा यहाँ पर ये देखना ये 2SO3 गैस बेटा यहाँ पर है और यहाँ बेटा मान लेते हैं पर क्या है 2SO2 प्लस O2 गैस, क्लियर, ये बेटा गैस है यानी 2SO3 बेटा किसमें हो रही डिसोसिएट SO2 और ऑक्सीजन बेटा ये हो रही है डिसोसिएट, ठीक। अब बताऊं कि मैं क्या
निकाले बेटा यहाँ पर देखना इसको n, तो देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं निकालू मैं n निकाल लू तो n बेटा कितने यहाँ पर ये यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 1 और कितने हो गए तो लिख सकते हैं 2 प्लस 1 कितने हो गए 3 यहाँ निकाल सकते हैं ना ये प्लस अब आप निकाल सकते हैं डेल्टा एन जी ये मैंने बताया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ध्यान रखना बेटा हम उसी को लेंगे जो गैस होगा ये भी गैस है ये भी गैस है भले ही मैंने जी नहीं लिखा है मतलब गैस है ठीक तो आप देखिए बेटा कितना है ये 2 यहाँ पर हो गए प्लस 1 ये वैल्यू और माइनस के कितने बेटा ये 2 कितने बचे यहाँ पर बेटा ये 3 माइनस 2 आने के बाद बच गया ठीक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कितना होगा ये 1 बच गया पहला तरीका तो बेटा ये है आपका सॉल्व करने का तरीका दूसरा तरीका क्या है बेटा इस 2 से 2 का बड़ा पर ये कैंसिल होगा नहीं होगा ना अरे 2 मोल इसके होगा रिएक्टेंट के 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट तो यहां से कैंसिल होगा नहीं होगा तो कितना बचेगा केवल यानी कि 1 बचेगा प्रोडक्ट का 1 बचेगा तो डेल्टा एन कितना हो गया 1 आ गया ठीक तो इस केस के लिए बेटा क्या होगा रिलेशन देखना बेटा इस केस के लिए अगर अल्फा पूछे या आपसे एक्स दोनों का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप लगा सकते हैं बेटा इसका रिलेशन क्या है बेटा यहां पर वॉल्यूम डेल्टा एन जी अपॉन एनपी बेटा देखिएगा डेल्टा एन जी कितना यहां पर ये 1 तो यहां लगा सकता हूं बेटा मैं वॉल्यूम कितना यहां पर ये 1 प्रोडक्ट बेटा कितने है प्रोडक्ट कितने कर लेना ये यानी कि 1 और 2 कितने लेना ये 3 तो आप ये लगा सकते हैं 3 क्लियर तो ये किसका होगा रिलेशन आप निकाल सकते हैं बेटा ये कि हमारे पास अल्फा क्या हो गया बेटा ये अल्फा अच्छा नहीं लगेगा नहीं अल्फा आप समझोगे सबने लिख दिया है पर क्वेश्चन में लिख दिया है तो इसलिए मैं अल्फा ना लिखकर बेटा मैं एक्स लिख दे रहा हूं क्या लिख रहा हूं एक्स किसका होगा ये बी और यहां लिख सकते हैं बेटा ये 1/3 ठीक समझ गया नहीं अल्फा मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि अल्फा वैसा लगेगा ना आपको ना कि सबने लिखा है पर क्वेश्चन में लिखा है तो इसलिए मैंने अल्फा को एक्स मान लिया मैं ठीक ऐसे ही आप ले सकते हैं बेटा जब इसका रिलेशन ये है वॉल्यूम का है तो हम जानते हैं बेटा देखना p अभी क्या होता है बेटा n r t ये कांस्टेंट है बेटा ये कांस्टेंट है तो बेटा क्या होगा बचा p अपॉन v तो p क्या है प्रेशर क्या होगा इनवर्स होगा नहीं होगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं बेटा x और p और यहां पर ये 1/3 समझ में आया नहीं बेटा पुराना बेसिक रूल है आई बताओ कैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएगा कितने टाइम प्रेशर कम करेगा हम सब निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी बेटा इसको नोट कर लीजिए अगर आपको रूल पता है ऑलरेडी तो रहने दीजिएगा बस अभी 2 मिनट बात अभी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने ठीक जैसे देखिएगा आपको ये सवाल दिया आपको यहाँ पर लिखना ये सवाल दिया बेटा एक रिएक्शन दिया यहाँ पर ये लिखना ये रिएक्शन क्या बेटा यहाँ पर लिखना ये रिएक्शन है बेटा कोई ए है यहाँ से बेटा सॉलिड है ए बेटा कोई सॉलिड है यहाँ पर ये प्लस बी बेटा कोई गैस है यहाँ पर अब इससे ये बन रहा है बेटा ये मान लेते हैं से कि सी बन रहा है गैस और प्लस यहाँ से बन रहा है बेटा ये 2D गैस ठीक देखिएगा find the degree of dissociation अब बेटा ये सवाल top plus वाला इस तरह सवाल आपको मिलेंगे आपको find the degree of dissociation if the volume of container is increased the volume of container is increased 8 times ज्यादा हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा ये हां इसको यहां से volume of container increase 2 times ठीक ये निकालना होता है find the degree of dissociation if the volume of container increase volume को 2 गुना बढ़ा दें तो अब बताओ कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है टूट रहा है जो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में वैल्यू बन रही है अब उस
बढ़ा आप इसको ठीक बेटा देखिएगा अगर मैं निकालू यहां से देखना मैं डेल्टा एन निकालू तो डेल्टा एन निकाले बेटा कितना होगा यहां देखिए दो और एक तीन प्रोडक्ट के स्टोमेट्रिक कितने बेटा ये तीन है दो यहाँ के एक यहाँ के क्योंकि गैस है सिर्फ गैस लेंगे सॉलिड है इस साल को तो भूल के नहीं लेंगे क्यों क्योंकि तुम क्या हो तुम बेटा सॉलिड हो सॉलिड को बेटा लेंगे क्या सॉलिड को बिल्कुल नहीं लेंगे बेटा ये गैस है ना आप देखिए हम निकालेंगे डेल्टा एन जी निकालेंगे ये क्या होता है बेटा प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन रिएक्टेंट के कितने हैं प्रोडक्ट के बेटा टू और वन कितना बेटा ये थ्री थ्री माइनस रिएक्टेंट के क्या बेटा ये वन इसको नहीं लेंगे क्योंकि बेटा ये सॉलिड है ठीक तो कितना है बेटा वन कितना आ गया आने टू आ गया बेटा डेल्टा एन जी कितना हो गया टू हो गया अब बेटा एन भी पता ही आपको कितना है ये टू और एक वन आने की थ्री हो गया समझ गया ना ये कितना बेटा अगर ये टू यहाँ का और वन यहाँ का कितना होगा थ्री हो गया तो अगर आप निकाल सकते हैं आने की साइन किसका है वॉल्यूम का डेल्टा एन जी अपॉन एन भी निकाल सकते हैं देखिए बेटा एक्स प्रोपोर्शनल क्या है बेटा वॉल्यूम अब वॉल्यूम कितना टाइम बढ़ा दिया गया बेटा देखना ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज टू टाइम्स वॉल्यूम को डबल कर दिया गया तो आओ बेटा इसको डबल करते हैं ऐसे करके ठीक डबल कर दिया वॉल्यूम डेल्टा एन जी कितना निकाला बेटा हमने ये फॉर्मूला क्या था बेटा ये आने की टू है यहां से ठीक एन भी कहां बेटा ये आनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने बेटा ये तीन यहां पर है क्लियर तो अब आपके पास जो रिलेशन आ गया बेटा वॉल्यूम कितना आ गया वो आ गया आने की एक्स प्रोपोर्शनल कितना बढ़ा ये आने की 2y 3 यहां से आप लगा सकते हैं ये क्लियर हां इसको सॉल्व करना चाहे बेटा तो सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स कितना आ बेटा ये इसका 4 होगा इसका कितना होगा बेटा ये 2 का कितना होगा 3 का 9 होगा और यहां बेटा 1/3 आप इसको ये भी सॉल्व कर सकते हैं इसको आप ये क्लियर हां तो पेपर में आपको जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह क्वेश्चन आपको छोड़ देगा वैल्यू आपको 3 ऊपर लग देगा तू यहां लगा देगा ऐसा कर देगा ऑप्शन एक में बंद बंद कर देगा तो जिसमें ऑप्शन ये मैच कर जाए तो वो आपका आंसर होगा ठीक है ये तो इतने जो वैल्यू है यानी कि डी और डी की इतने टाइम्स वैल्यू हो जाएगी क्लियर हां नोट करो सवाल इसको इतना क्लियर बेटा ये सब दिख रहा है ना ये देखिए इसको ठीक अच्छे से इसको नोट करो बेटा ये फिर हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं बस आपको नोट करना चाहिए बेटा आपको ये तभी चीजें आपको बेटा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा समझ गए ना ये आइए और देखिए बेटा यहां पर ये एक सवाल आपको मैं और करवाता हूं प्रेशर के वैसे बेटा क्या होगा लिखना प्रेशर के बेटा सवाल क्या होगा बेटा हमको देखना इसको ये लेकिन ए बेटा यहाँ पर क्या है कोई गैस है यहाँ पर ये और यहाँ बेटा इससे बन रहा है यहाँ पर ये ठीक यहाँ पर है यानी कि मैंने मान लिया बेटा कितना है ये इसको टू मान लेते हैं ठीक है ये हाँ टू इसको मान लो बेटा पर ये और थ्री इसको मान सकते हैं थ्री बी और गैस ठीक हाँ जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन If the pressure of gas is increased by
8 times. Yes, वाला बेटा आंसर बन गया. Increase by 8 times. आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये देखना इसको. इधर देखिए बेटा, ये आपके पास ऑप्शन है. आप वीडियो को क्लोज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं रुकता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है. मेरे पास ऑप्शन नहीं बेटा, वरना वीडियो को जाएगा बड़ा लेंथी हो जाएगा. क्लियर नहीं है? देखना क्या है 2a बेटा, क्या है ये रेक्टेंट है. आप इस 2a रेक्टेंट से बेटा क्या बनना है, 3b बनना है, फ्लूइड आने की गैस, ये भी गैस है. आप कह रहे हैं, आप हमें बता दीजिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आने की अल्फा. अगर हम प्रेशर गैस का कितना कर दें बेटा, 8 टाइम्स बेटा प्रेशर बढ़ा दें, इसका मतलब ये होता है, ठीक नहीं है? तो अब देखिए बेटा, हमारा फंडा क्या बेटा, ये हमारा फार्मूला बेटा x प्रोपोर्शनल प्रेशर, और यहां बेटा डेल्टा mg अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ये सवाल था, अरे प्रेशर का उल्टा हो जाएगा क्या, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को उल्टा प्रेशर. क्लियर? अब हमें np बेटा कितना दे रखा है, यहां पर देखिएगा np कितना बेटा, ये 3. ये देखिए बेटा, यानी प्रोडक्ट के मोल 3 है ये. अब देखिए बेटा, यहां पर ये क्या बेटा, यहां पर ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने बेटा, ये 2. ठीक, अब डेल्टा mg बेटा कैसे निकालोगे, डेल्टा mg निकालोगे मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल. क्लियर? कितने हैं बेटा ये 3, कितने हैं बेटा ये 2, यानी कि 3 2 ये, तो कितना बचा बेटा ये, यानी कि 1 हो गया. डेल्टा mg कितना हो गया 1. क्लियर? अब np क्या है बेटा, ये np कितने है 3 है. तो आप देखिए बेटा, इनका क्या रिलेशन आएगा, तो x प्रोपोर्शनल बेटा प्रेशर कितना टाइम कर दिया गया है, प्रेशर प्रेशर को बेटा 8 टाइम्स कर दिया गया है. कितना कर दिया गया है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया. तो p कितना कर ले बेटा, हमारी ये देखिएगा, यानी कि 8 टाइम्स कर सकते हैं इसको. देखिएगा आप बेटा, डेल्टा mg क्या है बेटा, हमारी ये 1 यहां रखोगे. np कितना बेटा, ये np कहां है, ये देखिए बेटा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने है, 3 है. तो बेटा अब देखिए बेटा, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा, कितना आएगा, यानी कि x अपॉन बेटा ये देखिए, अब 8 का बेटा क्यूब है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसका क्यूब बेटा है ये 1/3 है. तो इसकी बेटा वैल्यू हम लिख सकते हैं, पता लिखना ये, यानी कि x अपॉन / 2. क्लियर? अरे इसका क्यूब निकालोगे, 8 का कितना आता है बेटा, ये 2 आता है. क्लियर ना ये? हां, तो अब बेटा हमारा जो पहला ऑप्शन मिल सकता है, वो आपको ऐसे बोल सकता है, यानी कि कितना हाफ बोल सकता है. बी ऑप्शन ले सकता है बेटा, 50% हो सकता है. क्लियर? सी ऑप्शन हो सकता है, वहां पर ये यानी कि 2y यानी 3y 5 हो सकता है, और यहां डी हो सकता है 60%. ऐसे ऑप्शन बना के वो आपको तैयार कर सकता है, आपको नीट में 4 ऑप्शन. तो अब हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ये यानी ये आंसर मिल सकता है आपको, ये कौन सा आंसर मिल सकता है हमको बेटा, ये हमको ये आंसर मिल सकता है, और हमको ये मिल सकता है. ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको डिवाइड करो बेटा 100 से, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा बेटा 60% आएगा. तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकते. क्लियर? इसको बेटा चेंज करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, बेटा कितना आएगा, ये 50% आएगा. और ये चेंज करना मैंने आपको बताया था मैंने. क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम के काफी चुनिंदा क्वेश्चंस है ये, और अक्सर ये क्वेश्चन जेई में क्वेश्चन आई सवाल है. पता नहीं चलता है कि वैल्यू में कुछ दिया नहीं है, कि एक टर्म देके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है ये. क्लियर है ये? हां, नोट करो बेटा इसको, इस सवाल को ये, और काफी बस ये ट्रिक है बेटा इसकी, ये क्या है ट्रिक है बेटा, ये फंडा है नॉर्मल बेटा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ये. हां बेटा, इतना जो है पॉइंट्स यहां से बेटा आपके लिए बेटा, यहां से ये क्या होगा, यानी सारी चीजें यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा. इतना क्लियर नहीं है, कोई भी यहां से बेटा आपको दिक्कत नहीं हो सकती है. अब आप यहां के इसके बेस पर सारे सवाल जो है आप सॉल्व कर सकते हैं. अब आपका जो इक्विलिब्रियम बेटा चैप्टर है, यहां क्या बचा मेरे पास सिर्फ बचा बेटा ले चाते प्रिंसिपल बचा है, प्लस और बचा है वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी
और ले जाती प्रिंसिपल बचा है मेरे पास ये। तो ये टॉपिक बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि विद प्रोलॉग के साथ। ये आपके लेक्चर पूरा चैप्टर बेटा मैं लगभग 8 या 9 लेक्चर में कंप्लीट कर देता, लेकिन बस ये है फिर आपके पास न्यूमेरिकल आपको वैरायटी कम पहुंचेंगे। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको केवल ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए, नहीं, मेरा मतलब है कि आपको हर वो कॉन्सेप्ट दो जिससे कि नीट में जब बच्चों को लगे क्वेश्चन तो ये ना लगे कि ये क्वेश्चन नया है, कि लगे कि हाँ ये वैरायटी क्वेश्चन आपको मिल चुका है। क्लियर नहीं है तो जितनी वैरायटी के क्वेश्चन लगा सकते हैं आपके पास पॉसिबल है तो प्लीज आप उनको लगाइएगा। क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन क्या बेटा पूरा क्या है, यानी एक ऑब्जर्वेशन है, जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा तो आपका पेपर उतना ही बिंदास होगा। क्लियर बेटा ये, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट गुड बेटा ये नेक्स्ट रोज के साथ लेक्चर साथ। थैंक यू बेटा, ओके बाय, टाटा।